तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वो शिरोमणि अकाली दल का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया, आंदोलनजीवी परजीवी हैं, मोदी है तो मौका है, मजा लेते रहिए। और फिर साथ साथ कि हर शादी में एक फूफी होती है, वो नाराज हो जाती है, ये तंज किस पर है? रोहित जी, देखिए, हम सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, मैं समझता हूँ हर नागरिक को उस पर गर्व होगा। और एक बहुत बड़ी बात आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलनजीवी भी हैं जो अपना तंबू वहां गाड़ लेते हैं जहां आंदोलन चल रहा होता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुद्दा क्या है, इनका लाभ कैसे करा सकते हैं आंदोलनकारियों का, बस उनको अपना आंदोलन जारी रखना है। और ये इसलिए है कि वो मोदी जी से नफरत करते करते देश का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत प्रमुख है, छोटे किसानों की चिंता किसी को नहीं हो रही। छोटे किसानों के लिए बड़े बदलाव लाए गए हैं, उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जो बड़े किसान या बिचौलिए हैं या कुछ लोग हैं जो आंदोलनजीवी हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। वरना आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी की ही बात को बढ़ा रहा हूं, 75 दिन तक क्या एक छोटा किसान, जिसकी बात आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, वो कर सकता है? 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जब लागू हुई तो आपको मालूम है विपक्ष ने और इन आंदोलनजीवियों ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये अपमान निधि है, ये सम्मान निधि नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा, कुछ लोग होते हैं, जैसे शादी का ही उदाहरण है, कि लड़की और लड़की वाले अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, उसमें फूफी होती हैं, वो हर चीज में नुक्स निकालती हैं, वो बताती है कमी है, उनसे ये पूछा जाए अच्छा क्या है तो वो नहीं बताती हैं। वही बात यहाँ पे विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष के पास ना दिशा है, ना उनको पता है कानूनों में है क्या, और उनको ये भी नहीं पता कि कानूनों में सुधार क्या करना है, लेकिन विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। भाटिया जी, शादी में तो दूल्हा ही सड़क पे बैठा 75 दिन से, फूफी की तो बाद में बात आती है, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो बैठा ना सड़क पे। तो मैं इतना जानता हूं कि कोई भी छोटा किसान ट्रैक्टर पे सोफा लगा के नहीं बैठता है, जैसे एक आदरणीय 50 साल के अपरिपक्व बालक बैठे थे। और रोहित जी, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या कोई छोटा किसान जिसको सरकार मदद कर रही है किसान सम्मान निधि बीमा योजना के तहत और सॉइल कार्ड देके, क्या वो 75 दिन तक अपनी खेती से दूर रह सकता है? हमने सबने देखा है किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, गालियां दी गई, शर्जील इमाम उमर खालिद किसान बन गए, योगेंद्र यादव किसान बन गए, ये किसान है नहीं, और भारत की जनता ये देख चुकी है। और एक बात और कहूंगा, विरोधाभास देखिए, ये प्रश्न आज जरूर पूछिएगा, एक पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, सेक्शन 25, पूछिएगा जरूर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वो कहता है कि अगर उल्लंघन किया कानून का पंजाब में किसान ने, तो उसके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये कानून क्यों नहीं रद्द हुआ? इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं प्रश्न उठाते? कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस क्यों नहीं लेते? ये प्रश्न जरूर पूछिएगा। ठीक है सिरसा जी, 5 बजते गाड़ी निकाल लेते हैं लगता है, क्योंकि जब इनको 5 बजे बुलाते हैं हम हमेशा गाड़ी में रहते हैं। सिरसा जी, माफी चाहता हूं जी, आज के लिए कोई बात नहीं, आप चलते चलते बात कर सकते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप जा रहे हैं या आ रहे हैं प्रधानमंत्री की बात के बाद? आपने आने का सोचा है या जाने का ही है अभी भी, कि चलते ही रहना है और जाना है? नहीं देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात, आज मुझे इस बात की जरूर तसल्ली हुई है कि पिछले कुछ दिनों से कम मैं खुद भी बड़ा आहत था और बहुत सारे लोगों को एक बात की बड़ी तकलीफ हो रही थी, दुख हो रहा था, ऐसा मैसेज जाने लग पड़ा था जिसके कारण हमें लगता था कि सिखों का पर्टिकुलर नुकसान हो रहा है और एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि जैसे हम कोई देश विरोधी हैं। तो कम से कम आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में ये बात कही और सिखों के बारे में बताया, तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन है या बीजेपी का जो भी नीचे तक का स्तर तक का आदमी इस भावना को समझेगा कि किसान आंदोलन किसानी का आंदोलन है। अगर उसके अंदर पंजाब का किसान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एंटी देश की बात करता है या एंटी देश के खिलाफ बोलता है। आप यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों से एक इस तरह का माहौल बन गया था जैसे बहुत सारे सवाल को घेरे हमें लगता था कि हमारे पर्पस के लिए डाले जा रहे हैं और हमें सवाल किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक तो आज बात बड़ी क्लियर होगी बीजेपी के सामने भी कि जो बार बार हमारे ऊपर सवाल कर रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री ने ये तो देश को बताया
कि कम से कम सिखों के ऊपर सवाल नहीं को खड़ा कर सकते। लेकिन सिरसा जी, उन्होंने एफडीआई भी बताई एक, वो एफडीआई वहीं से तो आई ना, उसी की तरफ उनका इशारा था ना। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने एफडीआई के बारे में क्या बोला, मेरे ध्यान में नहीं है, हो सकता मैं मिस कर गया हूं उस चीज को। लेकिन मैं, आप क्या आप ये मानते हैं कि सिख जो है देश के खिलाफ में कोई बात सुन सकता है या बोल सकता है? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, के आप विदेश से कोई ऐसी आइडियोलॉजी घुसाने की कोशिश होती है आंदोलन में जो देश को तोड़ने का काम करती है। नहीं, ठीक है ना, हमें कोई इतराज नहीं है, जब तक वो किसी के प्रति बोल रहे हैं तो हमें इतराज थोड़ा ही, हमें तो अपनी चिंता थी ना कि सिखों के प्रति तो...